आज मैं जर्नी करने वाला हूँ यहाँ लेह से अलची की। और बाकी देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पर पानी फ्रीज हो जाता है, देख रहे हो काफी सारे लोग यहाँ पे आइस स्केटिंग कर रहे हैं। नज़ारे इतने शानदार आ रहे हैं, मन नहीं भर रहा इनको देखते देखते। मन कर रहा है कि भाई रिकॉर्ड करते ही रहो, सारे नज़ारे कैप्चर कर लो। अभी हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब। पूरा कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो ना, ये अलची मोनेस्ट्री है। ये मुझे अपने किचन में लेके आए हैं क्योंकि यहाँ पे ना ये तंदूर है। पानी चला नहीं छोड़ेंगे तो लाइन में जितना पानी वो जम जाएगा। बहता हुआ पानी ना उतनी आसानी से जमता नहीं। दीदी खाना काफी अच्छा बनाया आपने। एक बार लद्दाखी में बोल दो कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चरू गेस्ट हाउस ले। तो एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। और आज के व्लॉग में सबसे पहले तो आप नज़ारे देख लो ले के। देख रहे हो क्या शानदार नज़ारे हैं। हालांकि लद्दाख को ऐसे सूखा सूखा देख के ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना जनवरी का, ये एक्सट्रीम विंटर और एक्सट्रीम स्नोफॉल का टाइम होता है। अभी एक्सट्रीम विंटर तो है, लेकिन एक्सट्रीम वाली स्नोफॉल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है इस बार मौसम भी ना अलग ही मूड में है। भगवान जाने कब स्नोफॉल होगी अच्छी खासी या ले में, लेकिन हाँ नज़ारों में कोई कमी नहीं है। नज़ारे ले के जो है ना हमेशा शानदार रहते हैं। बाकी बात करें इस चरू गेस्ट हाउस की, तो काफ़ी शानदार ये गेस्ट हाउस है। अगर ले मॉल रोड के आसपास आप कहीं स्टे देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आके आप स्टे कर सकते हैं। मॉल रोड से ना हार्डली 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। और ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है ना, काफ़ी शांति है यहाँ पे। और यहाँ टेरिस से तो नज़ारे आप देख ही रहे हो भाई साहब। बाकी ये सामने माउंटेंस देखो, देख रहे हो पूरी स्नो पीक माउंटेंस हैं। और जैसे धूप पड़ रही है ना, तो बिल्कुल डायमंड की तरह चमक रहा है, देख रहे हो। और जैसा लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया भी था, वो सामने देख रहे हो आप, वो है लेह पैलेस। और यही टेरिस से दूसरी साइड से नजर आता है शांति स्तूपा। लास्ट ईयर जब दिल्ली से लेह की HRTC बस जर्नी करी थी ना, तो उस टाइम पूरा लेह हमने घूमा था ऑलमोस्ट। और यहाँ शांति स्तूपा पे भी हमने विजिट करा था, काफी खूबसूरत है। और यहाँ से जो नजारे है ना वो भी अल्टीमेट है। और बाकी रात में भाई हीटर ने अपनी काफी हेल्प करी है कमरा गर्म रखने में ना। हालांकि आप देखोगे तो भाई अच्छी खासी यहाँ पे रजाई मौजूद है। उसके नीचे भाई ये देखो ब्लैंकेट भी है, और गद्दा देख रहे हो, गद्दे के ऊपर भी ना ये वार्म सी बेडशीट बिछी हुई है। उसके अलावा एक्स्ट्रा वहाँ पर रजाई भी मौजूद है। लेकिन भाई अगर ये नहीं होता तो थोड़ी बहुत हालत ख़राब हो जाने वाली थी, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना भाई ठंड लग रही थी। लेकिन जब हीटर पास में था ना, था उतना ठंड का थोड़ा सा पता नहीं चला। और इवन सुबह ना मैं फ्रेश हुआ ना, उसके बाद मैंने गलती से ठंडे पानी से हाथ धो लिया। आप यकीन नहीं मानोगे, हाथ पूरे सुन हो गए, जाम हो गए, रेड रेड हो गए मेरे हाथ ना। तो इसके सामने आके थोड़ी देर मैंने हाथों को सेका, तब जाके थोड़ा सा आराम मिला। तो चलिए सामान वगैरह पैक करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। और वैसे आपको मैं बताना भूल गया, आज मैं जर्नी करने वाला हूँ यहाँ लेह से अलची की। लद्दाख में ही एक विलेज पड़ता है अलची नाम से, काफी खूबसूरत विलेज है। और उससे भी ज्यादा खूबसूरत है ये जर्नी, क्योंकि इस जर्नी के दौरान लेह के काफी सारे टूरिस्ट प्लेस हम ऑन द रूट देखेंगे, जैसे कि मैग्नेटिक हिल, पत्थर साहिब गुरुद्वारा और संगम पॉइंट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे इंडस जास्कर रिवर का संगम होता है। तो भाई काफी खूबसूरत ये जर्नी रहने वाली है अलची तक की। तो भाई गेस्ट हाउस से अभी मैं निकल गया हूँ सामान वगैरह पैक करके। और सच में यार, जो गेस्ट हाउस में जितने भी मेंबर हैं, तो सबका जो गेस्चर है ना काफी अच्छा है, काफी अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। और बाकी देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे पानी फ्रीज हो जाता है क्योंकि माइनस में टेम्परेचर जाता है। तो देखो यहाँ पे ना एक नाली है और उसमें जितना भी पानी है पूरा फ्रीज हो रखा है। और बाकी देख लीजिए, ये है लेह की कुछ मॉल रोड, काफी अच्छी खासी मार्केट मौजूद है यहाँ पे। विंटर क्लोथ यहाँ से आप ले सकते हो, उसके अलावा ड्राई फ्रूट मार्केट यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं। ये पूरी ड्राई फ्रूट की मार्केट है, ये मॉल रोड के बाहर ही मौजूद है ये मार्केट ना पूरी। तो जी मैं अभी पहुँच गया हूँ लेह गवर्नमेंट बस स्टैंड। और यहाँ बस स्टैंड पे पहुँच के ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि देखा मैंने यहाँ पे आके कि भाई लेह RTC के अंदर नई इलेक्ट्रिक बस शामिल हुई हैं। ये देखिए, ये सामने हम जो बस देख रहे हो ना, ये लेह RTC की नई इलेक्ट्रिक बस हैं। देख रहे हो क्या शानदार लग रही हैं। ये है वो बस जिसमें हमारी जर्नी रहने वाली है। और ये वाली जो बस है ना, ये भी चालू नहीं हुई है अभी। किन रूटों पे लगेंगी, कब शुरू होंगी वो पता नहीं है। ये भी PMI कंपनी की बस है, और सेम ये जो बस देखोगे ना, ये भी PMI कंपनी की बस है। तो होपफुली फ्यूचर में हमें ले RTC की तरफ से और ज़्यादा नए रूट देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा लगता है यार, इतने ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पे नई नई इलेक्ट्रिक बस ले RTC की बेड़े में शामिल करी जा रही हैं। मैं तो कहता हूँ कि भाई एक बस यहाँ ले बस स्टैंड से ना ले एयरपोर्ट के लिए भी चालू कर दो, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि भाई सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी के लिए ले एयरपोर्ट से ले मॉल रोड तक के मुझसे करीबन 500 रुपये ले लिए गए थे। तो सोचो अगर इन बसेज की सर्विस ले एयरपोर्ट वाले रूट पर भी शुरू हो जाए, तो भाई कितना बढ़िया हो जाएगा। और ऐसी एक बस ले से पेंगोंग लेक लगा दो, ले से नूरावली लगा दो, हालांकि वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, रूट थोड़े से लंबे हैं और
मुझे लगता है कि इनकी जो कैपेसिटी है ना वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि पेंगोंग लेक और नूबरा वैली का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में कभी जब इनकी कैपेसिटी बढ़े, बैटरी कैपेसिटी जब बढ़े, तो फ्यूचर में कभी उन रूटों पे भी ये दिखाई दे, लेकिन हाल फिलहाल में ना ये लोकल रूट पे ऑपरेट करती हैं लद्दाख के अंदर। और लोकल रूटों के हिसाब से भी ना भाई ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बस है, क्योंकि आपको पता है कि भाई जब बस चलती है तो साउंड पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, तो उन पोल्यूशन को ना काफ़ी हद तक ये बस कम करती है, क्योंकि आपको पता है कि भाई नॉइज़ उतना ज़्यादा क्रिएट नहीं करते, तो नॉइज़ पोल्यूशन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक बैटरी ओरिएंटेड व्हीकल है, तो आपको पता है कि भाई एयर पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और सर कैसे हैं, पहचाना नहीं पहचाना? तो ये साहब हमारे ले RTC में ये एक स्टाफ है। और सब बढ़िया चल रहा है? बाकी बात करें लेह से अलची की इस बस जर्नी की, तो डिस्टेंस रहता है करीबन 67 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हम कवर कर लेते हैं करीबन 2 घंटे में या फिर 2.5 घंटे के आसपास में तो कवर कर लेंगे। बस का टिकट फिर मुझे मालूम नहीं, जब बस के अंदर टिकट मिलेगी तब पता चलेगा। तो चलिए मैं यहाँ से करूँगा बस में बोर्ड और निकलूँगा अलची की तरफ। लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता, क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी यहाँ लेह से अलची की। तो देख लीजिए भाई ऐसी कुछ ये बस है, ऐसा कुछ ये बस का इंटीरियर है। टोटल सीट्स की बात करें तो टोटल 30 सीट्स देखने को मिल जाती है। एक प्रॉपर सिटी बस है, यहाँ पे आपको होल्ड करने के लिए हैंडल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। स्पीकर यहाँ पे मौजूद हैं, सारी विंडो जितनी भी रहती हैं इमरजेंसी एग्जिट के साथ रहती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो हैमर है। तो बस का इंटीरियर काफ़ी शानदार है, PMI कंपनी की इलेक्ट्रिक बस है। और ऐसा है इस बस का कुछ ड्राइवर पैनल देख लीजिए। बाकी देखिए CCTV की सर्विलेंस भी ना पूरी बस में आपको देखने को मिल जाती है। और बाकी हमारे साथ मिस्टर टुंडुप जी मौजूद है, जो यहाँ ले RTC में एक स्टाफ है। टिकट वगैरह मैनेज करते हैं ना सर आप? हाँ सर। तो बस जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही सर ने हमें यहाँ टिकट दे दिया, और टिकट का जो फेयर है वो है 110 यानी 110 रुपीज। और बाकी देखिए बाहर जिन साहब से हमने आपकी मुलाकात करवाई थी ना आज, वही हमारे ड्राइवर साहब रहने वाले हैं। अच्छा क्या नाम था आपका सर? जकीर। अच्छा बस कितने बजे रवाना होती है एग्जैक्टली यहाँ से? यहाँ से 3:30 बजे। और भाई टाइम देख लीजिए, लगभग 3:40 होने को है और अपनी बस रवाना होने के लिए तैयार हो चुकी है ले बस स्टैंड से। और बाकी देख लीजिए यहाँ लेफ्ट साइड पे मौजूद है लेह का एयरपोर्ट। बाकी देखो अभी जर्नी जस्ट स्टार्ट ही हुई है और नज़ारे देखो कितने खूबसूरत हो गए हैं। ये देखिए ये सामने आप जो देख रहे हो ना, यही है लेह का हॉल ऑफ फेम। काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पे लास्ट ईयर मैंने विजिट करा था, बहुत अच्छा प्लेस है। और जब भी आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको ना एक अलग ही अनुभूति होगी, एक देश के प्रति गौरव फील होगा, काफ़ी अच्छा लगता है। और वो सामने आप जो देख रहे हो ना वो है स्पितुक मोनेस्ट्री, और उसके साथ में मौजूद है काली माता मंदिर। और बाकी जो स्पितुक मोनेस्ट्री मैंने आपको दिखाई थी ना उसके साथ में जस्ट काली माता मंदिर मौजूद है। और वहाँ से जो एयरपोर्ट का व्यू है ना वो भी काफ़ी शानदार आता है, और पूरी इवन ले सिटी जो है ना वहाँ से काफ़ी शानदार दिखाई देती है। अभी जो पार्ट दिख रहा है ना ये मुल्तानी मिट्टी है, सीजन में टूरिस्ट आते हैं ना सर यहीं से लेके जाते हैं। अच्छा यहाँ से मुल्तानी मिट्टी लेके जाते हैं टूरिस्ट? हाँ सर, इसका बहुत फेमस है यहाँ का। अच्छा ये सर गुप्पू किस जगह का नाम है? तो देखिए ड्राइवर साहब ने जो लोकेशन अभी बताई ना, ये अपना आइस स्केटिंग के लिए काफ़ी फेमस है। देखिए देख रहे हो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आइस स्केटिंग कर रहे हैं, आइस हॉकी भी खेला जा रहा है यहाँ पे तो। अच्छा बाकी आप ये जो सामने खूबसूरत सा हाईवे देख रहे हैं ना जिस पे करंटली अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, इस हाईवे को बोला जाता है लेह श्रीनगर हाईवे। देख रहे हो क्या खूबसूरत हाईवे है। और बाकी नज़ारे इतने शानदार आ रहे हैं, मन नहीं भर रहा इनको देखते देखते, मन कर रहा है कि भाई रिकॉर्ड करते ही रहो, सारे नज़ारे कैप्चर कर लो। और इवन ऐसी फील आ रही है, आपने वो गाना सुना होगा ना जब तक है जान मूवी का, जो पोएम चलती है जिसमें शाहरुख खान बुलेट बाइक लेके लद्दाख में चल रहा होता है, बिल्कुल वैसा हाईवे आ रहा है। सामने मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ और बीच में हाईवे, शानदार भाई साहब।
और बाकी आपको पता ही होगा कि पहाड़ों में नेशनल हाईवे के जितनी भी देख रेख है ना वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती है। और आपको पता ही है भाई BRO सड़कें क्या बनाता है पहाड़ों में, भाई ये हाईवे देख के आपको पता चल ही गया होगा। और ऊपर से उनके जो डायलॉग होते हैं ना वो और भी ज़्यादा शानदार होते हैं, जैसे फील माई कर्व बट डोंट हग देम, ड्राइव केयरफुली ऑन माई कर्व्स, तो ऐसे ऐसे डायलॉग लिखते हैं जिनसे लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश मिलता है, लेकिन पढ़ने में कहीं ना कहीं उन पर थोड़ा सा हंसी आ जाती है। ड्राइवर साहब बता रहे हैं वो सामने जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना वो है लद्दाख यूनिवर्सिटी। और जी अभी हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब। ये सामने आप जो गुरुद्वारा देख रहे हैं ना ये है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। गुरुद्वारा पत्थर साहिब के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो इसका इतिहास कहीं ना कहीं गुरु नानक जी से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है गुरु नानक देव जब तिब्बत होते हुए लेह लद्दाख की तरफ आए थे ना तब काफ़ी टाइम उन्होंने यहाँ पे स्पेंड करा था, और किसी राक्षस से जुड़ी कोई स्टोरी भी यहाँ पे फेमस है वो मुझे प्रॉपर पता नहीं है, लेकिन गुरुद्वारा पत्थर साहिब का जो इतिहास है ना वो गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ है। और देख लीजिए अभी हम पहुंच चुके हैं लेह के वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन जिसको बोला जाता है लेह मैग्नेटिक हिल। जो बीच में येलो कलर की लाइंस बनी हुई थी तो उसमें कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर देंगे ना तो गाड़ी खुद ब खुद आगे बढ़ने लगती है या पीछे की तरफ जाने लगती है, डिपेंड करता है कि आपने किस डायरेक्शन में गाड़ी खड़ी करी हुई है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना वहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड का कुछ तो है, इसीलिए उस पर्टिकुलर प्लेस को बोला जाता है मैग्नेटिक हिल। और काफ़ी टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे देखने के लिए ना, अभी तो खाली खाली सा था लेकिन जब मई जून का टाइम होता है सीजन का टाइम होता है काफ़ी भीड़ होती है भाई साहब वहाँ पे। इंडस रिवर, और देखिए पूरी की पूरी रिवर जमी हुई है ये तो। और अभी हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहां पे संगम यानी कन्फ्लुएंस होता है इंडस और जास्कर रिवर का। काफी खूबसूरत है ये जो संगम वाला एरिया है ना पूरा। देखिए यहाँ से लेफ्ट में जो रास्ते जा रहा है ना ये नीचे संगम पॉइंट के लिए जाता है, और जो सामने के पहाड़ है ना इनको देख के ना कुछ कुछ मून के सरफेस की याद आ रही है, जैसे मून का सरफेस होता है ना तो मून लैंड जैसा ही एरिया पूरा लग रहा है। हालांकि लद्दाख का जो मून लैंड है ना या पूरे इंडिया का मून लैंड कह सकते हो वो लामारुयु बोला जाता है, तो वहाँ का जो पूरा एरिया ना वो तो पूरा मून सरफेस को रिजेंबल करता है, वहाँ के जो पहाड़ है ना ऐसा लगता है कि मून पे आ गए हैं, लेकिन ये वाले जो पहाड़ है ना ये भी कुछ कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। और ये अभी जो विलेज हमने क्रॉस करा था ना इसको बोला जाता है नीमू, अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती होगी तो माफ करना, स्पेलिंग जो है आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। ये कौन सा विलेज सर है साहब? ये बासगो विलेज। अच्छा। और ये सामने आप जो मॉनेस्ट्री देख रहे हो ना इसको बोला जाता है बासगो मॉनेस्ट्री। और बाकी देखो जैसे ही बागसो विलेज और बागसो मॉनेस्ट्री हमने क्रॉस करी ना उसके बाद ना ये कुछ घाटा लूप जैसे टर्न है, हालांकि घाटा लूप से तुलना करना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा क्योंकि घाटा लूप आपको पता होगा जब लद्दाख की जर्नी करते हैं मनाली से बीच में पड़ते हैं तो काफ़ी खतरनाक है, लेकिन कुछ कुछ फीलिंग वैसे ही दे रहा है। तो जब इन शार्प टर्न्स पे ये इलेक्ट्रिक बस ऑपरेट होगी तो मुझे नहीं लगता कि भाई इससे ज़्यादा इस इलेक्ट्रिक बस का और कोई टेस्ट हो सकता है। हाँ अगर इसकी बैटरी कैपेसिटी होती ना तो मुझे तो लगता है कि भाई ये आसानी से यहाँ तक कारगिल श्रीनगर तक भी पहुँच जाने वाली थी। बैटरी कैपेसिटी का थोड़ा सा लोचा है, फ्यूचर में आशा करते हैं कि भाई इसकी बैटरी कैपेसिटी थोड़ा बढ़े और हमें कारगिल की यात्रा और श्रीनगर की यात्रा इस इलेक्ट्रिक बस से करने को मिले तो भाई साहब कितना ही मज़ा आ जाएगा फिर। वैसे बैटरी कैपेसिटी क्या रहती है अपनी बस की? ये
100 किलोमीटर चलता है सर। अच्छा, एक बार चार्ज करने पे 100 किलोमीटर चल जाती है। और देखो ये सामने आप जो ट्रक देख रहे हो ना, इस पे JK नंबर का ये ट्रक है और ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि यहाँ से सीधा श्रीनगर जा रहा है। ये वो टाइम है जिस टाइम पे ना ये जो हाईवे है ले श्रीनगर हाईवे ये पूरा क्लोज जाता है, लेकिन इस साल बर्फ़ का जो लेवल है ना वो इतना कम है कि देखिए ट्रक ना आसानी से ले से श्रीनगर तक पहुँच रहे हैं। और जो बीच में सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल आती है ना जो है माइटी जोजीला पास, वो भी इस बार अब तक खुला हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि इस बार बर्फ़ कितनी ज़्यादा कम है। और बाकी देखिए इधर सामने ना आपको थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि हो सकता है धूप यहाँ पे प्रॉपरली ना पड़ती और बीच में कभी थोड़ी बहुत स्नो गिरी होगी तो वो यहाँ पे अभी दिख रही है आपको। ये टाइम हो चुका है 4:50 और बस पहुँच चुकी है ससपोल नाम के विलेज में। ये देख लीजिए ऐसा कुछ छोटा सा विलेज है, यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स का बेसिकली ड्रॉप था इसलिए यहाँ पे बस बीच में रुकी हुई है, क्योंकि एक ये सिटी बस है इसलिए भाई सिटी टू सिटी विलेज टू विलेज अपनी सर्विस देती है। बीच में जितने विलेज पड़ते हैं ना सब जगह पैसेंजर्स में बोर्ड करते हैं, सब जगह उतरते हैं, तो बीच में काफ़ी जगह रुक रुक के ये बस चलती है बेसिकली। और नज़ारे देखिए यहाँ से इंडस रिवर के कितने ज़्यादा शानदार हैं। बाकी आपको बता दो यहाँ से सीधा रास्ता निकल जाता है श्रीनगर की तरफ, लेकिन क्योंकि हमें जाना है अलची तो हम ले लेंगे यहाँ से लेफ्ट डाइवर्जन ये नीचे की तरफ। चलिए सर, अच्छा लगा आपके साथ जर्नी करके। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जगह कौन सी है, पॉइंट कौन सा है ये अलची में? अच्छा अलची बस स्टैंड बोलते हैं इसको। अच्छा अलची में फेमस मोनेस्ट्री है ना एक? 100 मीटर आप थोड़ा पैदल चले जाना फिर मोनेस्ट्री में पहुंच जाएगा। अच्छा अच्छा जी, जैसा ड्राइवर साहब ने बताया बस अभी पहुंच गई है अलची बस स्टैंड। टाइम हो रहा है 5:15, तो देखो भाई 2 घंटे से पहले अलची पहुंचा दिया और ये बस अब अलची से चलेगी अगले दिन मॉर्निंग में सुबह 8:30 बजे, क्योंकि कल सुबह मुझे भी अलची से निकलना पड़ेगा इसलिए ड्राइवर साहब से कन्फर्म कर लिया था कि भाई बस यहीं पर आएगी नहीं आएगी। और बाकी बात करें जर्नी की तो क्या जर्नी थी भाई, लेह से अलची वाला जो रूट है ना काफ़ी खूबसूरत रूट है, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो लेह श्रीनगर वाला हाईवे है ना वो नज़ारों से पूरी तरीके से भरा हुआ है। और बाकी लोकल्स के लिए भी ये जो बस सर्विस है ना ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि देख रहा था कि भाई लोकल खुद तो ट्रैवल कर रहे हैं, काफ़ी सारा सामान भी बस में लोड था जो अपने साथ में लेके जा रहे थे, और कुछ कुछ लोग तो ऐसे थे जो जर्नी भी नहीं कर रहे थे सिर्फ अपना सामान बस में डाल के जा रहे थे और बीच बीच में उनका कोई बंदा आता और वो सामान पिक करके ले जाता। और अलची भी काफ़ी सारा सामान आया जो कि लोगों ने यहाँ से पिक कर लिया, तो आप समझ रहे होंगे कि भाई यहाँ के लोगों के लिए बस सर्विस कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप कहाँ पे रुकते हैं वैसे यहाँ पे? यहाँ से आके रूम भी मिला है। अच्छा नहीं, अच्छा बस में रहता है। अच्छा अच्छा, ज़्यादातर बस में रहता है, इसी में रहता है। अरे सर हेड्स ऑफ है आपको, इतनी सर्दी में भी बस में रहते हैं। अच्छा चलिए बनाइए चाय, खाना पीना करिए। और बाकी अगर आप भी लेह लद्दाख आ रहे हैं तो लेह से अलची तक का सफ़र आप कर सकते हैं, भले ही आप बस में ना कर रहे हैं, अगर आप पर्सनल टैक्सी से ये सफ़र करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बीच में देख रहे होंगे कितने सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन पड़ते हैं, चाहे वो हॉल ऑफ फेम हो, मैग्नेटिक हिल हो, गुरुद्वारा पत्थर साहिब हो, संगम पॉइंट हो, बीच में बाजगो मोनेस्ट्री भी पड़ती है, उसके अलावा यहाँ अलची में भी काफ़ी फेमस मोनेस्ट्री है, काफ़ी पुरानी मोनेस्ट्री है। तो अगर टैक्सी में भी आप आ रहे हैं ना तो इन सब जगह को घूमते हुए अलची आ सकते हैं और एक रात अलची में भी रुक सकते हैं। बाकी स्टे वगैरह की बात करें तो काफ़ी सारे होम स्टे वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, हालांकि अभी सर्दियों का टाइम है तो यहाँ पे होम स्टे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए जो चरू गेस्ट हाउस वाले ऑनर थे ना उनके कोई नोन पर्सन यहाँ पे रहते हैं तो उन्होंने मुझे उनके घर पे रहने के लिए ही बोल दिया था। काफ़ी मैंने मना करा कि यार किसी के घर पे रुकना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं आप वहाँ पे रुक सकते हो, क्योंकि होम स्टे तो हार्डली आपको सर्दियों में कोई ओपन मिलेगा।
तो जी मैं अभी पहुंच गया हूं अलची मोनेस्ट्री। हालांकि गेट वगैरह अभी क्लोज हो चुके हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट मैं हो गया हूं। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो ना, ये अलची मोनेस्ट्री है। बाकी टाइमिंग देखिए वहां पे ना, ऊपर टाइमिंग भी मेंशन है। टाइमिंग है 8 AM to 1 PM एंड 2 PM to 5 PM, तो 5 बजे क्लोज हो जाती है। तो 5 बजे से मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूं और देखिए मोनेस्ट्री क्लोज हो चुकी है। बाकी यहां पर जाने की ना विजिटर्स के लिए टिकट लगती है जो कि होती है 100 रुपीज़ की। बाकी यहाँ अलची मोनेस्ट्री के सामने के नज़ारे देखिए, यहाँ पे पानी वगैरह इकट्ठा होता होगा और वो पानी देखिए पूरा जम चुका है, देख रहे हो ये पूरा पानी जम चुका है यहाँ पे। और बाकी भाई ठंड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ठंड यहाँ पे हो रही है। और स्नो पीक जो माउंटेन्स है ना वो काफ़ी क्लोज नज़र आ रहे हैं यहाँ से। हालांकि बर्फ़ उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ऊपर स्नो दिखाई दे रही है पहाड़ों पर। तो चलिए भाई यहाँ से निकलते हैं, अपने स्टे में पहुँचते हैं, क्योंकि अब ना यहाँ पे खड़ा हुआ जा रहा ना मेरे से ठीक से बात करी जा रही है, जुबान लड़खड़ा रही है क्योंकि ठंड काफ़ी लग रही है। हेलो दोस्तों, हेलो कर दो। अच्छा मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ये छोटे छोटे दो दोस्त हमें लेने आए हैं और देखो मेरे चैनल का नाम पूछने लगे और वीडियो भी देखने लगे। और बाकी यहाँ से नज़ारे देखो, देख रहे हो सारा पानी फ्रीज हो रखा है। माइनस में टेम्परेचर होता है तो यही होता है। अच्छा कहाँ जाना है हमें, कहाँ पे है घर? वो ऊपर। अच्छा बाकी देखो भाई पूरा का पूरा पानी यहाँ पे ना फ्रीज हो रखा है, ये देखिए। क्लास में पढ़ते हो आप? क्लास में आप? अच्छा तो ये दो छोटे छोटे से दोस्त मुझे लेने के लिए आए थे, तो इनको मैंने एक एक चॉकलेट दे दी। दिखा दो कौन सी चॉकलेट दी है मैंने आपको। चलिए झूले अंकल जी झूले। तो देख लीजिए ये मुझे अपने किचन में लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ये तंदूर है जो कि बेसिकली पूरी किचन को गर्म रखता है। पहले रूम में बैठा हुआ तो स्पेशली मुझे यहाँ पे लेके आया कि भैया यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको थोड़ी सी ठंड नहीं लगेगी। एक बार लद्दाखी में बोल दो कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। क्या लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। झूले आंटी हेलो, क्या नाम है आपका? अच्छा झूले ओसल जी झूले। तो ये ओसल जी हैं जिनकी तरफ से आज हमारा इनविटेशन था यहाँ रहने का। और बाकी देख लीजिए पूरी इनकी फैमिली, ये आपकी वाइफ है ना, और ये आपकी बेटी छोटी सी। हेलो झूले, क्या नाम है आपका? अम्मो। पालतू बिल्ली है ये? क्या नाम है इनका? नाम रखा नहीं रखा? मेरा घर दिल्ली में है, आप आए हो कभी दिल्ली? चलो मेरे साथ दिल्ली घूमने। और बाकी इस रूम में इस तंदूर की वजह से इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, ठंड का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो इसको क्या बोलते हो आप लोग? थप। तो वैसे तो मतलब जैसे हिमाचल साइड जाओगे ना तो उसको कुछ और बोलते हैं, कहीं कहीं पे तंदूर भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं इसको थप बोलते हैं। ये देख लीजिए काफी गर्म रख रखा है इसने ना कमरे को पूरा, पता ही नहीं चल रहा है कि भाई सर्दी का मौसम है, तो इतना गर्म रखा हुआ है इस थप ने ना कमरे को। और बाकी यहाँ की खास बात पता क्या रहती है रूम्स की, आप ये देखो पूरी छत देख रहे हो ना, पूरी वुडन की है। इवन जो यहाँ के कमरों की दीवारें होती है ना, जो कमरों की दीवारें होती है वो भी मेरे ख्याल से मिट्टी यूज होती है ना उसमें भी। अच्छा तो इस वजह से कमरे गर्म ज्यादा रहते हैं ना। हाँ तो कमरे की जो दीवारें होती है ना उसमें जो मिट्टी वगैरह यूज होती है, तो इस वजह से कमरे थोड़े से और गर्म रहते हैं। और देखिए अभी भैया के साथ ना बाहर किसी काम से आए हुए थे, तो जस्ट भैया की गाड़ी में घूमते हुए आए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सामने पूरा NHPC का पावर प्लांट है ना, ये पूरा NHPC का पावर प्लांट है अलची का। और देखिए भाई क्या शानदार लग रहा है, देख रहे हो रात में। तो यहाँ से कहाँ कहाँ पावर डिलीवर होती है, मतलब पूरे आस पास के एरिया में या फिर इधर से यहाँ से होता है? ले तो पूरा होता है। अच्छा ले पूरा कवर होता है, मतलब यहाँ से काफी बड़ा पावर प्लांट है मतलब ये, है ना 45 मेगावाट का। तो भैया किसी काम से निकले थे तो मैंने सोचा चलो भाई अलची के नाइट व्यू भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। और देखो यहाँ पे ना पानी चला हुआ छोड़ रखा है। अभी आप सोच रहे हो कि भाई पानी को चला हुआ छोड़ रखा है, पानी वेस्ट हो रहा है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी आपको बताया था कि भाई अगर पानी चला नहीं छोड़ेंगे तो लाइन में जितना पानी वो जम जाएगा, बहता हुआ पानी ना उतनी आसानी से जमता नहीं है। तो आप यहाँ पे देख भी रहे होगे जितना पानी जैसे रात में यहाँ पे रह जाता है ना वो पूरा जम चुका है, फ्रीज हो चुका है। तो इस वजह से यहाँ पे ना पानी रनिंग कंडीशन में छोड़ा हुआ ताकि भाई जो लाइन का पानी है ना वो एटलीस्ट जमे ना। तो देखिए भाई फाइनली यहाँ पे डिनर लग चुका है, रोटी यहाँ पे है, दाल है, ऑमलेट है, आलू की सब्जी है, बाकी पिकल वगैरह है। हाँ जी खाना खाया जाए फिर।
तो चलिए खाना खाते हैं, क्योंकि खाना ना यहाँ पर ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। बाकी सच में कभी सोचा नहीं था ऐसे कि भाई लद्दाख में आके किसी लोकल फैमिली के साथ ऐसे खाना खाने का मौका मिलेगा। तो सच में जो फैमिली का नेचर है ना और जो गेस्चर है भाई, काफी बढ़िया मुझे लगा, और इतने प्यार से पूरा डिनर बनाया। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। वैसे तो घर का खाना तो ऑब्वियस ही बात है कि अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं, आपको टेस्ट बताते हैं। घर का खाना तो भाई, घर का खाना तो आपको पता ही है कि भाई अच्छा ही रहता है। खाना बहुत अच्छा बनाया दीदी, खाना काफी अच्छा बनाया आपने, मजे आ गए। अभी थोड़ा सा टेस्ट करा है लेकिन अच्छा है, काफी अच्छा लग रहा है। तो देख लीजिए भाई, ये है यहाँ का गेस्ट रूम जिसमें भैया ने सोने की अरेंजमेंट कर दी है। देखो काफी अच्छे खासे ब्लैंकेट रजाई मौजूद है, भैया ने कहा ठंड लगेगी तो एक्स्ट्रा ले लेना। तो काफी अच्छा खासा गेस्ट रूम है, इधर सोफे वगैरह लगे हुए हैं। चलिए ठीक है भैया, गुड नाइट, बाकी सुबह निकलेंगे तो शायद सुबह मिलने का मौका ना मिले। आप कितने बजे जाते हैं वैसे ऑफिस? मैं नहीं जाएगा कल। अच्छा, कल छुट्टी पे। चलिए फिर गुड नाइट, मिलते हैं। तो भाई खाना वाना खा लिया, खाना काफी बढ़िया बना रखा था दीदी ने। और बाकी यार हमेशा से ना सुना था कि भाई लद्दाखी लोगों का जो नेचर होता है ना काफी बढ़िया होता है, काफी मिलनसार होते हैं, लेकिन आज देख भी लिया भाई सच में क्या वेलकम करा। मतलब जिस इंसान को जानते भी नहीं है उसका इतना अच्छे से वेलकम करते हैं, तो सोचो कि भाई जान पहचान वालों का किस तरीके से वेलकम करते होंगे। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा लगा, और बाकी कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि भाई लद्दाख के किसी विलेज में आऊँगा और लद्दाख की फैमिली के साथ रहने का मुझे मौका मिलेगा, लेकिन आज इनके साथ रहना तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। तो चलिए भाई, जितनी डिटेल थी चाहे वो बस जर्नी की हो, अलची के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल हो, सारी मैंने आपको वीडियो में बता दी। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली हाथ नहीं जाना होता। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।